के वो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। यकीन है वो मेरी इल्तिजा ना टालेंगे, यकीन है वो मदीने मुझे बुला लेंगे। खुदा का बंदा मोहम्मद का नाम लेवा हूँ, खुदा का बंदा मोहम्मद का नाम लेवा हूँ, जो लड़खड़ाया तो दोनों मुझे संभालेंगे। यकीन है वो मेरी इल्तिजा न टालेंगे। इस वक्त हमारे साथ हिना अल्ताफ जो है वो बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मौजूद हैं और देखते हैं कि आज वो क्या प्लानिंग करके इन बच्चों के साथ बात करेंगी। जी तो आज बनाने रहमत रोजा खुशाई सेगमेंट इन सब बच्चों ने आज पहला रोजा रखा है और सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे इनके पेरेंट्स को, इनके वालदैन को कि आज आपने अपने बच्चों का इतना अहम दिन आज टीवी यानी कि आज नेटवर्क को दिया कि वो अपना अहम दिन आज बना सके। सो जल्दी जल्दी माइक रिवॉल्व करेंगे और सब पहले अपने नाम बताएंगे। फातिमा। बच्चों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट होती है माइक पकड़ के। रानिया शब्बीर। साथिया सेहला। माशाल्लाह। मोहम्मद शाहान हसन। माशाल्लाह स्माइल तो बड़ी प्यारी की है भाई, जबरदस्त माशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह इन सब बच्चों का रोजा कबूल फरमाए और इन बच्चों को ऐसे ही हिम्मत दें कि आने वाली जिंदगी में भी ऐसे ही रोजे रखें। और मेरा जो सवाल है हमेशा की तरह, किस किस ने शहरी में पराठा खाया है? सबने पराठा खाया है, जबरदस्त। और हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ जाएंगे पिज्जा मैक्स की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स। एंड ओवर टू यू अली भाई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। के भी हमारे साथ आज मैं देख रहा हूँ, पता नहीं आपको मिला है या नहीं मिला है, मेरे सामने है। ये सबके लिए ये जितनी भी है ना इफ्तार, ये आपको नजर आ रही है और चेहरे जो है वो खिल उठे हैं क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया है। कभी कभी आप जो है वो इतना टाइम नहीं होता आपके पास, लेकिन अगर फ्रोजन इस तरह की चीजें आपको एक अच्छे से डिब्बे के अंदर मिल जाए और वो आप फ्राई कर सकते हैं या अपने माइक्रोवेव में जो है वो भी आप उसको थोड़ी देर रखें और वो आपके पास चीज तैयार होगी, तो केबी जो है वो आपके पास होना चाहिए। किरण बाकर यानी केबी इसका शॉर्ट फॉर्म है। बहरहाल हमारे से इस प्रोग्राम में कोई अगर गलती हो गई हो, कोई गुस्ताखी हो गई हो तो दरगुजर कीजिएगा। मेरी दिल से ये दुआ है कि परवरदिगार आप सबकी जान माल ईमान आबरू रोजी रिस्क इल्म अमल घर कारोबार दस्तखान औलाद जिंदगी इबादत तक्वा इखलास इखलाक सादगी आजी इनकसारी और उम्र में बरकतें रहमतें वसतें रफतें उरूज और बुलंदियां अता फरमाए।